नमस्कार, अर्ली टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद, रजनी सेठी स्पोक्स पर्सन बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं। रजनी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि ये विपक्षी जो पार्टियां हैं, अन्य जो पार्टियां हैं, और जो लोगों में एक परसेप्शन है, वो कहते हैं कि जब बीजेपी से बात की जाए विकास पे, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को नेस्तोनबूत कर दिया है। उनसे बात की जाए, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो कहते हैं पत्थरबाजी बंद हो गई। तो विकास के मायने क्या हैं बीजेपी के लिए? राजन जी, विकास के मायने सबके लिए एक बराबर हैं। हर स्टेट में जैसे डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर में वैसी डेवलपमेंट में हो, जैसी हर स्टेट आगे बढ़ रही है वैसी जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, ये टारगेट लेके बीजेपी चल रही है। चाहे वो केंद्र में सरकार हो, चाहे हमारी भाजपा की, यहाँ पर जो हमारा ग्रुप है, जो भाजपा का यहाँ यूनिट है, वो भी यही चाहता है कि जम्मू कश्मीर हर स्टेट के बराबरी करे, कहीं पर भी पिछड़ा ना रहे। विपक्षी दल जो है, वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि उनको डेवलपमेंट किस हिसाब की चाहिए। या तो उनको खुली छूट चाहिए कि मिलिटेंट एंटर कर जाएं, इन्फिल्ट्रेशन हो, तो उनको डेवलपमेंट वैसी ही लगती है, क्योंकि जो विपक्षियों का माइंडसेट बना हुआ है वो अपनी डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट समझता है। आप देख रहे हैं कि जब से 2019 से, 5 अगस्त 2019 के बाद से ये हताश हो चुके हैं, इनको कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक कुर्सियाँ खिसकती दिख रही हैं। तो उस कारण ये आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान करते हैं। डेवलपमेंट क्या देखनी है उन्होंने? आईएएम बन रहा है, एम्स यहाँ पे बन रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, लोग खुश हैं, क्या चीज़ चाहते हैं? मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या एम्प्लॉयमेंट और क्या जो इन्फ्लेशन है, क्या ये विकास में नहीं आती हैं? क्या आपको लगता है कि एक अच्छी नौकरी हो किसी के पास, उसके पास जो है जो चीज़ें सामान है जो बाज़ार में मिलता है वो सस्ता मिले, वो भी एक विकास का ही एक साथ में, उसका एक ही जो है हम कहेंगे इसके साथ ही मिलता जुलता है? देखिए, अगर किसी भी स्टेट को डेवलप होना है तो उसके लिए आपको पैसा भी चाहिए। डेवलपमेंट ऐसे नहीं होगी। तो आप समझते हैं कि भाई, आपको क्या लगता है कि यहाँ बेरोज़गारी इतनी हो चुकी है कि भाई लोग बिल्कुल बेरोज़गार हैं? क्या वैकेंसीज नहीं हो रही हैं फुलफ़िल? जो पोस्टें निकल रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जो हमारी माइग्रेंट्स के कोटे में जा रही हैं, बहुत सी ऐसी पोस्टें निकल रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई पोस्ट ही नहीं निकल रही। तो इनकी सरकार के टाइम तो बैकडोर एंट्रीज होती थी, तो इस टाइम बैकडोर एंट्रीज बंद हो चुकी हैं। ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो हो रही हैं। तो मेन प्रॉब्लम इनको वही है कि भाई बीजेपी की सरकार में साफ तरीके का काम हो रहा है, ट्रांसपेरेंट तरीके का काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई, जो आप बात कर रहे हैं महंगाई दर बढ़ने की बात कर रहे हैं, अगर किसी स्टेट को बढ़ना है, अगर किसी स्टेट की डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं उसके लिए फंड्स भी चाहिए। तो फंड्स किस तरीके से आप ला सकेंगे? तो सरकार को हर रास्ता अपनाना। कांग्रेस भी तो लेके आती थी फंड्स। नहीं, कांग्रेस ने, आप देखिए ना जम्मू कश्मीर की हालत पिछले 70 साल में क्या की है उन्होंने। आप कश्मीर जाइए, वहाँ की सड़कों की हालत देखिए। मैं जम्मू की हालत बता रही हूँ। कहाँ थी उनके टाइम IIM का, IIT कहाँ थे, बच्चों के एजुकेशनल हब्स? यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे कांग्रेस के टाइम इन्होंने अच्छा। महबूबा मुफ्ती ये बोलती हैं कि बीजेपी तो डरपोक है, डरती है मुझसे, वो मुझे निकलने ही नहीं देती है। महबूबा जी बोलती हैं कि बीजेपी डरपोक है, मुझसे डरती है, मुझे निकलने नहीं देती। जहाँ भी मुझे कहीं रैली करनी है, कहीं जनसभा को संबोधित करना है, उसकी जो है परमिशन नहीं दी जाती है। नहीं, बीजेपी तो किसी से नहीं डरती। बीजेपी देशद्रोहियों का विद्रोह करती है। महबूबा जी देशद्रोही हैं। महबूबा जी आए दिन कुछ ना कुछ हमारे भारत के झंडे के लिए, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। वो डरती अपने करतूतों के कारण है, जिसके कारण वो निकल नहीं पाती हैं, और लोग भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर के हों चाहे जम्मू के। जम्मू से तो वो ख़त्म हो चुकी हैं, अब कश्मीर में शायद वो एक आधे ज़िले में बची हुई हैं, और बहुत जल्द वहाँ भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग समझ गए हैं महबूबा ने और उनकी फैमिली ने कश्मीर के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो देशद्रोह की बात करेगा, जो भारत को तोड़ने की बात करेगा, जो पाकिस्तान के मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने की बात करेगा, उनके लिए बीजेपी हमेशा फौलाद की तरह खड़ी रहेगी। लेकिन वो कहती हैं कि जब उनके पिता की बरसी थी, वहाँ उनको जाना था, वहाँ पे उनके साथ लोग थे, उसके बाद उन लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी जाती है। मुझे लगता है पहले इन्वेस्टिगेशन का इशू है कि FIR दर्ज क्यों हुई। अगर उन्होंने गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, तो उसके लिए तो किसी को भी FIR, क्योंकि अब ना वो मुख्यमंत्री हैं ना मुख्यमंत्री के काबिल हैं। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी, कौन सी गाइडलाइंस थी? गाइडलाइंस यही थी कि अगर उन्होंने ग्रुपीज कहीं, हो सकता है वो, उनकी मंशा क्या थी? देखिए ना, एजेंसीज को अपनी रिपोर्ट्स आती हैं। क्या वो वहाँ पे कोई देशद्रोही नारा तो नहीं देने लगी थी? क्या वो वहाँ पर लोगों को भड़काने का काम तो नहीं कर रही थी? तो ये देखने का विषय है। जो एजेंसीज वहाँ श्रीनगर में काम कर रही हैं, वो देख रही होंगी कि महबूबा की रोज़मर्रा की हरकत क्या है।
तो उसको वॉच करते हुए हो सकता है एफआईआर दर्ज हुई होगी। अच्छा, एक परसेप्शन अभी ना चला गया है लोगों में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में सेटिंग हो गई है, क्या कोई सेटिंग हो चुकी है? नहीं, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। सेटिंग बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी के साथ कोई सेटिंग नहीं करती। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस आइडियोलॉजी की है और बीजेपी किस आइडियोलॉजी की है, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। नहीं, लेकिन अब पहले जैसे कि बयान आते थे, क्योंकि अब कश्मीर के लोगों में भी जो वहाँ के जो मकामी नेता हैं वो एक परसेप्शन देने में लगे हैं कि जब अभी प्रपोजल आया है डिलिमिटेशन कमीशन का, 6 जम्मू को 1 कश्मीर को सीट देने की बात हुई है, उससे पहले जब 370 एडवोकेट हुआ तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैंड इन ग्लव विद बीजेपी थे। देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि चुनाव अभी ना डिसाइड हुए हैं ना डिक्लेयर हुए हैं, अभी तो डिलिमिटेशन प्रोसेस ही चल रहा है। सीटें बड़ी हैं, मुझे लगता है कि जो रिएक्शन वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी श्रीनगर की दे रही हैं, आपको लगता है कि एनसी हमारे साथ हाथ जोड़ेंगी? वो अपनी कश्मीर की वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रही हैं। 6 सीटें जम्मू की बड़ी हैं तो सबको दर्द हो गई। जब इतने सालों से जम्मू की कोई सीट नहीं बढ़ी थी, यही एनसी और पीडीपी कभी बात नहीं करती थी कि जम्मू की सीटें बढ़नी चाहिए, तो देखने वाली वो ये कहते हैं कि 2011 के सेंसस के मुताबिक ये हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि प्रपोजल भी ऐसा क्यों आया? तो आपको क्या लगता है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो अनाड़ी लोगों की थोड़ी कमीशन बनाई गई है, वो एक अच्छा जज है उसके ऊपर बैठे हुए, तो वो सब कुछ देखते हुए इसको डिसाइड किया है उन्होंने। तो जो सीटें बढ़ाई गई हैं, सिर्फ पॉपुलेशन को देख के सीटें नहीं बढ़ाई जाती हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन भी देखी जाती है, बहुत से उसमें दायरे रखे जाते हैं जिसके कारण वहाँ सीट्स बढ़ाई जाती हैं। यहाँ तो मुझे लगता है अभी सीटें और बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि सीटें अभी भी कम है हमारी कश्मीर के बनिस्बत। आप देखिए वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी संख्या है, 1.5-2 लाख के करीब वहाँ पर जनसंख्या है, तो हमारी सीटें और बढ़नी चाहिए, अभी तो ये शुरुआत है आगे। अच्छा, आपको लगता है कि जो महिलाएं हैं खासकर बीजेपी में, उनको उनके जो हक और हकूक़ हैं, जो उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए, वो क्या मिल पाते हैं? क्या उनको वो जो स्थान मिलना चाहिए वो मिल पाता है? राजन जी, मैं धन्यवाद तो मोदी जी का करना चाहूँगी, क्योंकि जो हक पिछले 70 साल में महिलाओं को नहीं मिले, मैं अपने स्टेट की बात करूं, 370 और 35A के बाद तो सबसे पहले वो हक मिला, जेंडर इक्वलिटी का हक मिला, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं खुद को दूसरी श्रेणी में समझती थी। दूसरा हक उनको मिला DDC के चुनाव में 33% आरक्षण का, BDC के चुनाव में 33% आरक्षण का, कॉरपोरेशन के चुनाव में 33% आरक्षण का। अब कमियां दो रही हैं जो मुझे लगता है कि वो भी पूरा करने की ज़रूरत है, चाहे वो असेंबली चुनाव है चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव है। उम्मीद करनी चाहिए मोदी जी अगर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपने कैबिनेट में उन्होंने महिलाएं काफ़ी मंत्री रखी हैं, तो असेंबली के चुनाव जब भी हों 33% आरक्षण महिलाओं को मिले, पार्लियामेंट के चुनाव में भी 33% आरक्षण मिले, तभी महिलाएं जो हैं आगे अपने समाज को बढ़ा पाएंगी। और उम्मीद हमें भाजपा से ही है, क्योंकि भाजपा ही एक आपकी ये अपील है प्राइम मिनिस्टर से? बिल्कुल, मेरी अपील है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी, अपने स्टेट यूनिट से भी, कि जब भी चुनाव हो, चाहे असेंबली के चुनाव हो या पार्लियामेंट के चुनाव हो, महिलाओं को उनका आरक्षण जरूर। अंतिम सवाल ये होगा कि क्या ऐसे बीजेपी ने काम किया पिछले 7 साल में जिसपे आपको लगता है कि लोग जम्मू में भी कश्मीर में भी भाजपा को वोट दें? देखिए, ऐसे कौन से काम नहीं किए उन्होंने। सबसे पहले कश्मीर में आज तक झंडा उठाने वाला कोई नहीं था। आपके सामने महबूबा का बयान आता था कि जो झंडा उठाएगा वो कंधा देने वाला कोई नहीं होगा जो भारत का झंडा उठाएगा। अभी आपने राष्ट्रवाद का मुद्दा हो गया जी, राष्ट्रवाद दूसरा मुद्दा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं ये लोग पाकिस्तान के कंट्रोल में करना चाहते थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जो सामने दिख रहा था, तो वहाँ पर गर्व से लोग आज चल पा रहे हैं। आपने जितने कार्यक्रम देखे, 5 अगस्त वाला कार्यक्रम देखे, जो भी कार्यक्रम देखे, हमारे भारत के झंडे को मान से हर डिपार्टमेंट में चढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले देशभक्ति का जुनून जो है अब कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। अच्छा। लोग शांति चाहते थे कश्मीर के, वहाँ पर शांति बहाली हुई है। आपने देखा पत्थरबाजी की कोई घटना पिछले 2 साल में नहीं हुई है। जम्मू के लोग जो चाहते थे वो जम्मू के लोगों को मिल रहा है। कुछ इश्यूज़ हैं जो मैंने कल भी शायद मीडिया के थ्रू बात की थी, लोकल इश्यूज़ हैं, वो लोकल इशू राजन जी तभी मतलब लोकल इश्यूज़ क्या अगले इलेक्शन जब बीजेपी अगर जीतेगी उसके बाद मुकम्मल होंगे? बिल्कुल, जब हमारी सरकार बनेगी, जब हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। 7 साल में क्या हुआ? नहीं, यहाँ पर सरकार नहीं थी राजन जी, यहाँ पर कोलिशन की सरकार। LG भी आपके ही है? नहीं, ऐसा नहीं है राजन जी, LG हमारे नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत होता है कि भाई LG आपके हैं, LG सबके हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर है तो वो सबके हैं, अगर LG हैं तो वो सबके हैं, सिर्फ बीजेपी की नहीं है। वो सबकी सुनते हैं, वो सिर्फ बीजेपी के वर्कर्स को बुला के उनकी बात नहीं करते, वो सभी पार्टीज के लोगों से मिलते हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जब यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी, जब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, जो इश्यूज़ लोकल इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अभी हाल ही में जब ये पंजाब में किस्सा हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को जो है रोका गया, उसके बाद कांग्रेस ने कहा उनके तो जो नेता हैं उन्हें कई जो हैं शहादतें दी हैं देश के लिए, तो इतना हो हल्ला क्यों?
तो शहादतें दी हैं, तो भाजपा ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि भाई शहादत नहीं दी कांग्रेस ने। भाजपा का ये सवाल था कि कांग्रेस ने वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स क्यों किया, क्या वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। देखिए एक रिकॉर्ड आप, हम ये नहीं कहते कि भाई वहाँ पर कुछ ऐसा टारगेट किया गया था, मगर प्रिकॉशनरी तौर पर भी देखा जाए जब भी पीएम की मूवमेंट रहती है तो क्लियरेंस रोड की दी जाती है, तो क्लियरेंस कहाँ थी? स्टेट का सीएम कांग्रेस के नेता जो पंजाब के कहते हैं वो जानबूझ के उस रोड पर गए, ऐसा पॉसिबल है क्या? ये बचकानी बयानबाजी है क्या? कभी प्राइम मिनिस्टर कोई गाड़ी स्टार्ट करके खुद ही निकल जाएंगे क्या? जब तक क्लियरेंस नहीं होती सीएम की तरफ से, सोचने वाली बात यह है कि एक दिन पहले सीएम को कोरोना होता है, वो अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, दूसरे दिन वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मंशा दिखाती है कि वो करके सोच के क्या आए थे। तो प्रियंका गांधी को वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई मोदी जी का रूट क्या रहेगा, प्रियंका गांधी कोई संवैधानिक पोस्ट पे तो है नहीं, तो उनको रिपोर्ट करने का क्या सेंस? तो ये मंशा, ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है, सामने सब कुछ आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैनी सेठी जी। तो स्पोक्स पर्सन बीजेपी की जम्मू कश्मीर, कई जो है मुद्दों पे इन्होंने बात की है और बेबाकी से बात की है, और इन्होंने साफ किया है कि पिछले 7 वर्षों में जो है कई ऐसे काम हुए जितना मौका मिल पाया उनको, और उसके बलबूते पे उनको उम्मीद है कि लोग भी आने वाले चुनावों में इनको वोट देंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए अर्ली टाइम न्यूज़।